यू दिखा दिए भाई थोड़ा भीतर था लिटरेचर वगैरह सारा सौदा वो बेच के आपने एक पुरानी सी दुकान या लगा है, लेकिन इसको देख के पुराने जो वैद्य जी होया करते उनकी बड़ी याद आवे है, जो फलवा मर उन्होंने भी दिखाया करते यानी कि अच्छा एक चीज़ और कही जाए हमारा बोले वैद्य हकीम खतरा जान, यह बात कितने की है? बिना नॉलेज के जिसको दवाई का पता ही नहीं है, जिस दवाई का हमने तजर्बा ही नहीं किया, जिस बंदे ने कुछ वैद्य और भी देखे हैं मैंने कई जगह देखे हैं, आप भी देखे हैं बाहर लिख रखे हैं पूरे बड़े बड़े अक्षरा में अगर मर्दाना कमजोरी का भी सरतिया इलाज है, तो ये चीज़ को हो भी है बीमारी इनका इलाज या बीमारी हो नहीं होती, इलाज भी को हो नहीं होता, ये सिर्फ लोग बांटती लिखे हैं। देखो ये बीमारी होती है पर अधिकतर लोग इसमें साइक ये वो ग्रंथ हैं इनमें तजर्बे की हुए हकीमों के नुस्खे लिखे हुए हैं जिन्होंने सैकड़ों मरीजों पे तजर्बे कर रखे हैं, वो तजर्बे की हुए नुस्खे हैं। ये देखो दिखाओ दिखाओ देखो भाई और भी देखो ये भी ये देखो ये सारे हकीमों के पुराने वैद्यों के तजर्बे की वो नुस्खे हैं। फिर चीज भी यह है कि यो क्या अच्छा यो भी किसी की बीमारी गए है। हाँ राम राम जी सारे छोटे बड़े बण भैया ने कहा तो कितना नाराज पहुंचे कड़े कड़े गुरु नानक पूरा है यो गवाना पुराना गवाना जो है ये भाई न्यू न्यू पुराना गवाना अड्डा हो गया इस तरह जब ये सीधी सैनी स्कूल की तरफ है जो सैनी रोड है रोहतक में से उसकी तरफ जो जाओ है तो उस रोड पर हमें सही आड़े थे मुड़ते के साथ आधा किला चाल करीब आधा किला चाल का आड़ा आने का कारण क्या बनया है आड़ा है आज एक कसूती बात क्यों किसी ने मारता बताई किसी ने बताई न्यू न्यू उड़े एक दो चीज जागा ऐसा चीज है वो आज थरते दिखाऊंगे भाई न्यू देखो नाम देखो वैद्य श्याम सुंदर ठीक है गुरु नानकपुरा नजदीक पुराना गुआना अड्डा रोहतक ये क्या क्या है बोला शुगर गुप्त रोग सोरायसिस स्त्री रोग नजला चंबल माइग्रेन बवासीर गठिया सभी बीमारियों का आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है शुगर व शुगर के से होने वाली कमजोरी का इलाज रस भस्मों से किया जाता है यानी कि सारा सारा आयुर्वेदिक ये भी यू आयुर्वेदिक कितना ठीक कितना गलत और के इसमें जो वैद्य जी हैं ये इन तो बात करेंगे तो वैद्य जी पहले ले लो राम 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 दर्शका नहीं कर दो जी राम राम ने बताया मेरे दिक्कत होगी धीरे छोड़ेगी और मैं तो उड़े ले आई थी कई साल की बात हो ली है उड़े न्यू वैद्य जी बैठा है ये भी थी रुक के रोड़ेगी आपकी दुकान तक उन्हें दिखती जिसे रुक के रोड़ेगा इलाज कर दिया या क्या बात पहले तो बता दो ले रुक कर रोड़ वाली कोई बात नहीं हम यहाँ पे कम से कम 30-40 साल से बैठे हुए हैं और रसोली चाहे पेट में हो चाहे दिमाग में हो चाहे यूट्रस में हो चाहे वैसे चर्बी गांठ हो उसको भी हम दवाइयों से पिघला देते हैं अगर चाहे उसकी 10 साल पुरानी रसोली हो कहीं भी हो गांठें या ट्यूमर हो केवल आयुर्वेदिक दवाई से और जड़ी बूटियों द्वारा हम उसको पिघला देते हैं कम से कम 3-4 महीने लगते हैं उसमें और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई नुकसान नहीं किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है ना कोई साइड इफेक्ट है बस दवाई सुबह शाम दोनों टाइम लेनी होती है और अपने आप उसकी गांठ पिघल जाती है। फिर यू एक उसका नहीं हम तो उसका सुनकर ही बड़ा आगे देखा ना जब ये बोर्ड तो इसमें तो कई डाल बीमारी लिख रखी है सारी चीज़ों का इलाज सारी चीज़ों का इलाज करते हैं और केवल आयुर्वेदिक जो ये बाहर आपने रोग कई तरह के लिख रखे हैं पहली बात तो मैं उससे ही कर दूँ जो स्त्री रोग हैं स्त्री रोग हर एक चीज़ का मतलब इलाज है स्त्री के बारे में स्त्री रोगों में हम जैसे यूट्रस में गांठ है और लकोरिया है या बच्चे निसंतान है और उसके अंदर अंडे नहीं बनते और किसी तरह के बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है उसको काबिल औलाद बना देते हैं। एक चीज़ और आजकल यह बात बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है लोगों में एलर्जी सोराइसिस वगैरह की तकलीफ रहा हुआ है तो सोराइसिस तो एक मान लिया वो भी चमड़ी का रोग कह लो उसने खून का रोग कह लो तो उसका भी एक परमानेंट इलाज वाली बात है इसमें आयुर्वेदिक के अंदर सोराइसिस का हम देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं इलाज इसमें लंबा है पर ठीक हो जाती है बीमारी और 8-10 बूटियों का ऐसा एक नुस्खा हमने बना रखा है कि चमड़ी की कोई बीमारी हो उनमें सब में देते हैं और सब लगभग ठीक हो जाती हैं। आप मेरे पास चंबल का ले आओ मैं आपको चंबल 15 दिन के अंदर आपकी उसकी ठीक करके दिखा दूँगा। जो चमला बोल रहे हैं जी ने जिसको बोलते हैं जो सोचा है 20 साल का हो वो चंबल 20 साल का हो उसको 15 दिन में हम ठीक कर देंगे बिल्कुल और कोई केमिकल नहीं कोई एलोपैथिक साल्ट नहीं कोई किसी किस्म की कोई स्टीराइड नहीं डालते हम आप हमारी दवाई को कहीं भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हो। अच्छा ये भी इसमें बुरा ना मानियो मेरी आदत है जिस भैया ने सब ने भी रहा है मेरी आदत है सीधा सवाल सीधी त्रिया पूछने की उनमें कई भाई बुरा मान जाए हैं लेकिन आप बुरा ना मानियो पहले कह दूँ मैं ये भी जो अवैध और भी देखे हैं मैंने कई जगह देखे हैं आप भी देखे हैं बाहर लिख रखे हैं पूरे बड़े बड़े अक्षरा में अगर मर्दाना कमजोरी का भी सरतिया इलाज है तो ये चीज़ को हो भी है बीमारी इनका इलाज या बीमारी हो नहीं होती इलाज भी को हो नहीं होता ये सिर्फ लोग बांटती लिखे हैं। देखो ये बीमारी होती है पर अधिकतर लोग इसमें साइकोलॉजी के शिकार होते हैं कि
क्योंकि साइकोलॉजिकल उनको दिमागी टेंशन है, तो क्या है उसके दिमागी टेंशन है तो वो ये सोचने लग जाता है कि मेरे में इरेक्शन नहीं हुआ, मैं एक किस्म का नपुंसक हो चुका हूँ, जबकि वो होता नहीं है। जिसको साइकोलॉजिकल वो अपने दिमाग में बिठा लेता है कि तू वाकई में ही सेक्स का मरीज है, और ये जितने भी सेक्स के डॉक्टर हैं ये उसके अंदर अंग्रेजी दवाई मिलाते हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई दवाई नहीं मिलाई जाती। परंतु जो भी सेक्स का मरीज होता है वो 40 साल के बाद होता है, इससे पहले कोई भी सेक्स का मरीज नहीं होता। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं इसमें, या फिर अंग्रेजी दवाइयाँ मिला के उसको दिखा के तुरंत कहते हैं हम शाही इलाज कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो सिवाय अंग्रेजी दवाइयाँ मिला के घोट के देने के और कुछ नहीं करते। जबकि आयुर्वेद में इसका महीने से डेढ़ महीने का इलाज होता है, और वो भी 40 साल की उम्र के बाद, जब आदमी को सेक्स करते हुए कम से कम 20 साल बीत जाएँ तो उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। वो कमज़ोरी पहले जो लोग थे बुज़ुर्ग, पहले गोंद वगैरह कई ऐसी चीज़ें घर में बनाया करते थे, वो हर साल सर्दियों में खिलाया करते थे जो अपने बड़ी उम्र के होने लग जाते थे जिनकी शादी को 10-15 साल। अब वो प्रथाएं तो होगी ख़त्म, अब लोग खान पान हो गए गलत और लोग कुछ खाद्य वगैरह डलने लग गई, परंतु फिर भी 40 साल से पहले कोई सेक्स का मरीज नहीं होता। अगर मरीज होगा तो बच्चे पैदा नहीं होते, वो एक अलग मसला है। बच्चे पैदा नहीं होते उसमें कई बार वीर्य में इन्फेक्शन होता है, या वीर्य के अंदर पस सेल बढ़ जाते हैं, उससे उसके कीटाणु डेड हो जाते हैं, और उनका इनके पास वो मरीज मारे मारे घूमते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, वो कहीं टोने टटके कहीं कुछ करते हैं। परंतु हम चाहे औरत हो जिसके अंदर अंडे नहीं बनते, हम चाहे मर्द हो उसके अंदर कीटाणु डेड हो जाते हैं, तो उसकी हम दवाई देते हैं, महीने से 3 महीने तक का हमारा इलाज होता है। पहले टेस्ट करवा देते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करवा देते हैं, उसको खुद पता लग जाएगा कि मैं ठीक हुआ हूँ या नहीं हुआ। ये बेग लेन और हमने बार पड्डी की हर तरह की बीमारी में कई डाल की बीमारी आ जाए, जैसे कि सब तो बड़ी बात आ जाए, जो सरकार ने इतना बड़ा अभियान भी चलाया है भाई, टीबी वाली बात ले लो, जैसे टीबी है, अस्थमा है, अपना मतलब ये लकवा है, तो इन चीज़ों का भी कुछ इलाज वाली बात आड़स है कि क्यों? हम टीबी का भी इलाज करते हैं। टीबी ये बीमारी हमारे शरीर को पहला नंबर तो घेरती क्यों है, उस कारण को पकड़ो। जब हमारे शरीर में दो किस्म के सेल होते हैं, एक वाइट सेल और एक रेड सेल, जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो जर्म्स हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, तो वाइट सेल वो हमारे उन जर्मों से जो जरासीम होते हैं उनसे लड़ने की ताकत होती है, वो हमारी कमज़ोर हो जाती है, यानी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। हम रस भस्मों द्वारा उसमें इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं ताकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, तो जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो मर्ज अपने आप ही दूर होने लग जाता है, वो टीबी भी दूर हो जाती है। सब है क्या वो, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो गया, रोग तभी घेरेगा जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। तो आयुर्वेदिक में हम रस भस्मों द्वारा इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो वो अपने आप ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये भी बात जब यह है तो कि एक चीज़ और आ जाए, जो आजकल अपने शहर में गामा में अभी ज़्यादातर, पहले गामा में बहुत कम हो जाती है चीज़, शुगर वाली एक बीमारी बहुत पसार लग रही है, शुगर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता जाने लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रसित होने लग रहे हैं। और दूसरी बात फिर कैंसर जैसे हो गया, बीपी भी हो गया, तो ये जो बड़े लेवल ये जो बीमारी आ जाए, मतलब शुगर का ही बता दो पहले, शुगर का भी अपने पूरा इलाज, शुगर का हम इलाज करते हैं, पर शुगर का हम ऐसे इलाज करते हैं, शुगर में अंग्रेजी में क्या है, मेटाफॉर्मिन देते हैं। मेटाफॉर्मिन का क्या काम है कि वो हमारे जो ग्लूकोस है, जो मेटाफॉर्मिन का ये काम है, जो हमारी पैनक्रिया ग्रंथि है जिसको अग्नाशय बोलते हैं, वो हमारे पाचन क्रिया का एक अंग है, उसको इंसुलिन चाहिए, वो इंसुलिन पैदा करती है। इंसुलिन का काम क्या है कि ऊर्जा लेके सेल के अंदर घुसाना, और शुगर जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जिससे अंदर जो शुगर बनती है ब्लड में रह जाती है, तो इंसुलिन सेल को खोलता है उसमें ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो ये हमारे पाचन क्रिया का एक अंग है, सबसे पहले उसकी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, फिर धीरे धीरे करके उसकी पैनक्रिया ग्रंथि इंसुलिन कम बनाने लग जाती है। इंडिया के अंदर शुगर के मरीज टाइप 2 के मरीज हैं, टाइप 1 के मरीज बहुत कम है। टाइप 2 के मरीज वैसे तो हम बिना दवाई दिए ही डाइट समझा के उसको शुगर को रिवर्स करवा देते हैं, उसमें दवाई लेने की भी जरूरत पड़े, अगर हाँ अगर साथ में आयुर्वेदिक दवाई ले तो और जल्दी मदद मिलती है। परंतु दवाई हम देते हैं, अगर किसी को 10 साल हो गया शुगर की दवाई लेते हैं या 20 साल हो गया, तो मेटाफॉर्मिन उसकी पैनक्रिया ग्रंथि को ये कहती है कि तू इसमें फालतू शुगर बना, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बना, शुगर को कवर करने के ज़्यादा से ज़्यादा बना। अगर तू 1 ग्राम बनाती है तो उसको मेटाफॉर्मिन धक्का लगाती है कि भाई तू 10 ग्राम बना, अब वो छोटा सा पार्ट है। अब करते करते हम 10 साल तक मेटाफॉर्मिन से अपने शरीर में इंसुलिन बार बार पैदा करने के लिए करेंगे, आखिर क्या होगा, एक दिन वो जो पैनक्रिया ग्रंथि है वो काम करना ही बंद कर देगी,
फिर वो क्या होगा कि फिर वो ऊपर से डायरेक्ट इंजेक्शन से इंसुलिन देंगे, तो वो शुगर को ठीक नहीं कर रहे। हमारी आयुर्वेदिक दवाई उस मेथड को ठीक करती है जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा होती है। हमारी दवाई ये जो आयुर्वेदिक दवाई है, ये जो पैनक्रिया ग्रंथि है उसको ठीक करने के लिए दी जाती है, ताकि उसके बीटा सेल इंसुलिन अपने आप बनाए, ना कि उसको ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाने के लिए कहती है। हमारी दवाई तो सिस्टम को ठीक करते हुए चलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं जो अपनी अंग्रेजी दवाई ले रहे हो वो भी लेते रहो और साथ साथ हमारी भी लेते रहो। अगर आपने अंग्रेजी दवाई बंद करनी है तो हमारी दवाई के ऊपर आना है तो आपको डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, जब हमारे के अनुसार डाइट नहीं खाओगे, तब तक आपकी शुगर लेवल ठीक नहीं होगा। बिना दवाई के भी शुगर लेवल ठीक हो जाता है। और देसी शमेशी इसी बात का सुनी भी है, सब कहते हैं बोले देसी दवाई खाओ तो परहेज करने माने पड़ेंगे, या बात सब कहते हैं, या बात बढ़िया कही आपने कि डाइट का क्यों डाइट कर परहेज की बात वही आ जाए फिर वह। अच्छा, ये अगली बात आ जाए वैद्य जी की, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमें बीपी आजकल लो आई बीपी जब मारा खूब लोग आगे, उसकी दवाई ले ली, जितने दवाई ले दो दिन चार दिन आराम रहे फिर वो काम होने लग जाए, तो आयुर्वेद में बीपी का परमानेंट इलाज है? बिल्कुल है, हमारे पास कई मरीजों का हमने बीपी कवर किया है। जो बीपी की दवाई वो क्या काम करती है, मतलब एक बार वो इलाज पूरा करवाने के बाद फिर दोबारा लो नहीं हुआ है? नहीं होता। बीपी बीमारी है क्या सर? बीपी उसकी टेंशन से बनता है। जब आदमी टेंशन करने लग जाता है, दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिस वो जो चिंता करता है ना उसको बीपी की बीमारी होती है। और बीपी की बीमारी के लिए हमने एक पीने की बोतल बना रखी है, उसको दूसरे से चौथे दिन ही हम बीपी कवर करना शुरू कर देते हैं, और दो तीन महीने में उसको बीपी बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, सारी दवाइयां चढ़वा देते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा बीपी नहीं होता। अच्छा, ये अगली बात की तरफ हम चल रहे हैं, तो एक चीज और मतलब जो सब तक खतरनाक बीमारी है और बहुत महंगा और लाखों करोड़ों उसमें इतने खर्च भी हो जाए, एक हमने देखा राजीव दीक्षित का उसके बारे में इंस्टीट्यूट भी है कैंसर के बारे में, तो कैंसर का आयुर्वेद में एक परमानेंट इलाज और काबू में करने वाली बात है, और ये कदम ऐसा भी हो सकेगा कि जो इंडिया इसने एक प्रोफेशनल तौर पर इन्हें कवर कर पाओगा आयुर्वेद? आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है, जो हम कैंसर की देसी जड़ी बूटियाँ देते हैं, अगले वो 15 दिन के अंदर उसको दिखाते हैं, तुम हमारी 15 दिन दवाई लो, 15 दिन तक हमारे पे यकीन करके देखो, उसके बाद आपने जो ट्रीटमेंट करना करो, आपको 15 दिन में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलता है तो वो तो आपके सामने है, फिर 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए आपके सामने, आप फिर अपने आप ही अपना हमारा इलाज लेना शुरू कर दोगे। उसमें कोई महंगी आइटमें नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे बना रहे, कोई कहता है सोने की भस्म देता हूँ, कोई कहता है कुछ देता हूँ। हमारे यहाँ आयुर्वेद में हमारे देश के अंदर जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कैंसर को कवर करने में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो आयुर्वेद के मुताबिक उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। कैंसर का जर्म्स क्या है, जब उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जब हम उसको जड़ी बूटियां खिला खिला कर उसमें प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा देंगे तो कैंसर के कीटाणु अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे, तब कैंसर के कीटाणु कमज़ोर हो जाएंगे तो कैंसर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई जाएगा कहीं लेने दूर दूर, कोई कहीं जाएगा, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएगा, परंतु हमारे यहाँ नीचे कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जंगल के अंदर जो कैंसर के ऊपर तकरीबन 90% उसको ठीक करने का दावा कर सकते हैं हम। आप पहले दवाई इस्तेमाल करो 15 दिन, अगर आपको लगे कि भाई ये दवाई हमारे को इससे हम वो ठीक हो रहे हैं तो अपने आप पता लग जाएगा आपको, बाकी आपने लेनी है या नहीं लेनी। तो फिर आप ये कहना चाहोगे हम दर्शकों से, या बात कर सके हर तरह का इलाज आयुर्वेद में है और आपके थ्रू हो सके है वो बात है, तो आप सब संदेश क्या देना चाहोगे? आयुर्वेद में कुछ नहीं कहा जाता, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है, बशर्ते कि उसको तजर्बा होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसने क्या वैद्य ने क्या देना है। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, खाली 2 किताब पढ़ के अपने आप को कहीं वैद्य बन के बैठे हुए हैं और वो अपने आप को बड़े भारी वैद्य समझने लग जाते हैं, 4 दवाइयाँ इकट्ठी करी और वैद्य बन गए, जबकि उनको नॉलेज नहीं होती। हमारा तो ये खानदानी काम है और बचपन से चलता आ रहा है, बचपन से वैद्य देखते आ रहे हैं, बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं, हमारा सारा लिटरेचर ही उर्दू अरबी में है, जो प्राचीन काल में हमारे ब्राह्मण लिखते थे, याड़ा भी आप दो वो लिटरेचर है मेरे पास 200 साल पुरानी किताबें हैं जो हमारे पीछे से वो लाए थे। दर्शकों ने दिखाओ, मैं मान लो ये ना माना ही चाहिए, ये भाई हर एक चीज देखे हैं, और देखो भाई देखे के दिखाओ है वैद्य जी, ये ले भाई आगे
यू प्राचीन ग्रंथ है, ये उर्दू में लिखे हुए हैं। पहले सारे लोग उर्दू ही पढ़ा करते थे, उर्दू ही लिखे करते थे, उर्दू में तजर्बात किया करते थे। ये वो ग्रंथ हैं, इनमें तजर्बे किए हुए हकीमों के नुस्खे लिखे हुए हैं, जिन्होंने सैकड़ों मरीजों पर तजर्बे कर रखे हैं, वो तजर्बे किए हुए नुस्खे हैं। ये देखो, दिखाओ दिखाओ, देखो भाई और भी देखो, ये भी, ये देखो, ये सारे हकीमों के पुराने वैद्यों के तजर्बे किए हुए नुस्खे हैं। फिर चीज भी यह है कि यू क्या, अच्छा यू भी किसी की बीमारी गए है। हाँ। चीज यह है वजीब, इस बात ना आप मान ले पढ़ लेते हो, हमने तो नहीं मेरा मेरे इसमें केले के रखा है। ये तो उस टाइम पे जितने भी वैद्य होते थे, यकीम होते थे, सारे उर्दू पढ़ा करते, उर्दू में ही लिखा करते थे। 1947 के बाद जो हिंदू हैं या जो दूसरे जो पंडित वगैरह हैं, उन्होंने उर्दू पढ़नी छोड़ दी। उस टाइम उर्दू में चलते थे, सारे तजर्बात उर्दू में लिखे हुए हैं, और वो किताबें यहाँ पर मिलती नहीं। जो पुराने वैद्य थे उनके पास पढ़ी हैं, उन्हीं के आधार पे वो तजर्बे अपने करते हैं, और वो कि लिटरेचर है हमारे पास। हम एक भी किताब पढ़ते हैं, एक नुस्खा जमाते हैं, उस पता नहीं कितनी बीमारियों पे काम करता है वो। तो भाई चलो रहने दो, कोई बात नहीं वैद्य जी, क्यों दुखी हो। तो भाई आप लोगों ने देखा अगवैद जी का यू दिखा दिया भाई, थोड़ा भीतर था लिटरेचर वगैरह सारा सौदा वो बेच सके। आपने एक पुरानी सी दुकान या लगा है, लेकिन इसको देख के पुराने जो वैद्य जी होया करते उनकी बड़ी याद आवा है, जो फलवा मर उन्होंने भी दिखाया करते। यानी कि अच्छा एक चीज़ और कही जा, हमारा बोले वैद्य हकीम खतरा है जान, यह बात कितने की है। बिना नॉलेज के जिसको दवाई का पता ही नहीं है, जिस दवाई का हमने तजर्बा ही नहीं किया, जिस बंदे ने कुछ दवाई का पता ही नहीं उसमें क्या चीज़ है, उनके क्या गुण है, क्या दोष है, वो किस बीमारी में देगा। जब उसने खुद ही तजर्बा नहीं किया तो किताब में से पढ़ेगा और नुस्खा बनाने लग जाएगा। जब उसको दवाइयों का ही नहीं पता तो वैद्य नीम हकीम खतरा जानता अपने आप होगा। एक बार दर्शक आते अपना नंबर बोल के बता दो, के नंबर अपना जो कोई कॉन्टेक्ट करना चाहो तो 9494160 58। 9494160 56। बाकी आपने भाई नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिख जाएगा वैद्य जी का, और साथ में वीडियो पे भी चल रहा होगा, आपने दिख रहा होगा नीचे। तो हर तरह की बीमारी का इलाज यू रोहतक के अंदर ये गवाना अड्डा के पास में ही गुरु नानकपुरा है। आप आगे एक बड़े मतलब वही बात फिर आवा है, पहले बढ़ते ही लगेगा ये तो है ही। जब दवाई इस्तेमाल करोगे अपने आप पता लगेगा। कहाँ लोग कहते हैं कि गारंटी लो, हम कहते हैं तुम एक हफ्ता हमारी दवाई लेके देखो, आपको एक हफ्ते में अगर पता लगना शुरू हो जाए तो अपने आप लेने लग जाओ। जो हमारे पास एक बार दवाई लेके जाता है वो फिर हमारे पास ही दवाई लेने आता है, और कहीं नहीं जाता वो। चलो भाई मैं भी यही राय दूंगा, बड़े आपने पीछे फूके हैं, वो तो इलाज बहुत बहुत महंगा इलाज है यार, एक बार आजमा के देखो हफ्ते ही वैजियन है, और दियो रिपोर्ट कैसी है कैसी नहीं हमें नहीं पता चला, बाकी इनके बारे में पता चला था तो आज पूछने आ भी गए। आप तो बात पूछा भी दी, बने रही हो आगे के लिए जिम्मेदार मीडिया पर। जय हिंद।